वेलकम टू मिस्ट्री टॉक्स चैनल। बात करते हैं सुमित गुप्ता के साथ घटी सत्य घटना के बारे में, तो चलो सुनते हैं उनकी ही जुबानी। कुछ मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं पूछते कुछ हो रहा है क्या? मैंने अभी सब ओके भैया, कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग ना वापस शादी में गए थे और उस दिन रात में जस्ट बैठे थे हम लोग, तो मामा को ये बात पता था, बट ये नहीं पता था कि भाई मेरी लड़की पहले मेरी बहन पे कुछ हो रहा है। उनके साथ हुआ, उनके साथ गलत हुआ। अभी कैसे हुआ, बगल में ना इसकी लड़की मरी थी, उसका एक बच्चा था, बच्चा शायद एक ही दिन का था, उसकी माँ मर गई। हम लोग उसको मौसी बोलते थे, बहुत अच्छी थी वो, मतलब हमको बहुत मानती थी, केयरिंग थे। और मामा को पूरा, मामा ने उनको पूरा ये कहानी बताया। मामा ने ये बताया कि बगल में जो संतोष मौसी करके थी, उसका ही आत्मा अपने घर में आया था, ये आया था। मैंने बोला क्या मामा, आपको मैं मिला क्या? तो बोली नहीं। तो सीन ऐसा था कि उसका जो लड़का है ना, अब भी शायद 8-9 साल का होगा, उसने क्या किया, उसके ही घर में, मतलब उसकी माँ, वो लड़की की माँ, मतलब मेरी जो नानी थी, उसने ना अपना घर पूरा बांध दिया था। बांधना इन सेंस कोई मेरे घर में आए नहीं, सुरक्षा, भूत भीत नहीं आए, वो सब उनका था। तो मामा ने बताया उसी घर में सेकंड फ्लोर पे भाड़े पे दिया था, उधर एक लड़की थी जो बचपन से उधर ही, मतलब उसके डैड जो है ना, वो रेलवे में काम करते, हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 12-15 साल से उधर रेंटेड थे, एक फैमिली के जैसे थे उनके। तो वो लड़की वो लड़कियों को खिलाती थी, हाँ खेलना नहीं बोलते ना, माँ के जैसा केयर करना। तो मेरी बहन ने बताया कि भैया कभी कभी तो ऐसा ड्रेसअप करती थी जैसे कि वो संतोष मौसी, बोला हाँ। तो ये सब चीज़ में लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो उसने बोला कभी कभी वो ड्रेस ऐसे करती थी कि जैसे कि वो मौसी है, मतलब वो बोलता ना होता है। तो एक दिन ऐसे हुआ, उसका जो डैड है, मतलब जो रेंटेड थे, उन्होंने खुद का एक घर लिया था, खुद का एक घर लिया और वो शिफ्ट हो गए। और उसकी माँ ने उनको इतना कन्विंस किया कि आप मत जाओ, क्यों जा रहे हो आप, इधर रहो, नहीं क्या, आप एक काम करो, रेंट ही मत दो, फ्री में रहो, मतलब ऐसे ऐसे ऑफर देने लग गए। उसके डैड को लगा शायद अटैचमेंट था 10-15 साल का, नहीं क्या, शायद वो बॉन्डिंग क्रिएट हो, हाँ। तो बड़े बोलते ना खुद का घर लेना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो वो शिफ्ट हो गए ज़्यादा दूर नहीं, एक दूसरे मोहल्ले में। तो जैसे वो मोहल्ले में शिफ्ट हुए ना, वो जो लड़की जो इधर से उधर गई, वो हार्डली शायद 15-16 साल की थी, 15-16 साल की लड़की। स्कूल में गए, स्कूल में बेहोश हो गई, उसके स्कूल से फ़ोन आया, उसके डैड उसको घर पे लेके आए। तो स्कूल वाले ने ये बताया कि ये स्कूल में अलग अलग हरकतें करने लग गई, जैसे मुझे मेरे घर में छोड़ो, मुझे मेरे घर छोड़ो, उसका टोन चेंज हो गया, जैसे कि कोई बहुत, नहीं क्या, एजड 25-30 साल की जो हो रही थी, तो वैसे बात कर रही। तो बेहोश हो गया उसके बाद, उसके डैड को बताओ घर पे लेके। तो इस बात में किसको ट्रस्ट नहीं हुआ, उसके बाप को भी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो उन्होंने मेरे मामा को फ़ोन किया, तो मेरे मामा, ठीक है मैं आता हूँ। तो मेरे मामा गए, हमारे इधर ना एक ठाकुर करके, मतलब एक जमींदार होता है ना, जिसके घर में हाथी रहती है, तो मेरे मामा के दोस्ती है, हम लोग मामा बोलते हैं, वो दोनों साथ में गए। तो उधर जब घर पे गए ना, तो वो बेहोश पड़ी थी, डॉक्टर घर पे आया था, तो बोला कुछ नहीं है, बुखार है, बॉडी पूरा ठंडा हो गया, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर चला गया, उसके मॉम ने उसका ड्रेस चेंज किया, तो उसके पीठ पे निशान थे, अलग ही निशान थे, जैसे कि मारते ना निशान आता, वैसा निशान था। उसकी मॉम शॉक हो गए और उसके डैड को बोला कि निशान कैसा है। अभी इनको लगा शायद एक स्कूल में मारपीट की है, तो लड़की जब तक होश में नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा। तो लड़की जब हो, इन लोग बाहर चाय भी पी रहे थे, लड़की जब होश में आई तो सेम वही, मुझे इधर क्यों लिया, मुझे मेरे बच्चे के पास छोड़ो, यही टोन पे।
उसकी मॉम शॉप पे कौन सा बच्चा क्या नहीं क्या, और ऑलमोस्ट आधा आधा फुट जैसे कि कोई उठा के पटकता है ना, वो बेड में ऐसे उछलता है। हमारे गांव में लकड़ी का जो बेड होता है ना, वो चार पाई वाला, तो उस पे पटक खुद को पटक रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो हमें कमेंट करें या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें DM जरूर करिए। हम आएंगे आपके शहर, आपके गांव।